जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको मल्टी वेंडर मल्टी स्टोर मल्टी सिटी के अगर आपको वेबसाइट आपने बनाया है उसको अगर मैनेज करना है, यानी स्टेप्स जो आपको देख रहे हैं वेबसाइट अगर बनाया हुआ है तो अगर मैनेज करना है तो किस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, नए नए कैटेगरीज नए नए आपका एडवर्टाइजमेंट किस हिसाब से लगा सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये आपका स्टेप से तो ये एप्लीकेशन है तो ये चीज़ आज हम जानेंगे कि किस तरह से क्या हम अपने जो स्टोर हैं उस स्टोर को कैसे मैनेज करेंगे। अगर अपना कोई कस्टम डिज़ाइन रखना हो या कस्टम डिज़ाइन करना हो तो हम किस हिसाब से मैनेज करेंगे, ये आपका जो ओवरव्यू पेजेस है या मेन पेजेस है हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चेंज करना हो मॉडिफाई करना हो जैसे